अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये इस बच्चे की वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई और कुछ चैनलों पर दिखाया गया कि इंडियन आइडल में इसको दिखाया जाता तो क्या होता, कुछ गलत बातें इसके अंदर बयान की गई। आप इस वीडियो को पूरा आप देखेंगे, बहुत मज़ा आएगा, बहुत ही शानदार वीडियो है। इंडियन आइडल के अंदर क्यों दिखाया जाएगा, वहाँ तो उल्टी सीधी चीज़ें दिखाई जाती है, इसका जवाब तो सीधा सही है। और दूसरी चीज़, इसके अंदर जो गलत चीज़ फैलाई जा रही है वो ये कि दिल्ली की मेट्रो के अंदर ये वीडियो बनाई गई है। ऐसा नहीं है दोस्तों, ये दिल्ली की मेट्रो बिल्कुल नहीं है जो साफ तौर पर नज़र आ रही है। दूसरी इसके अंदर सबूत ये है दिल्ली की मेट्रो ना होने का कि ये बच्चा, और अभी जब आप वीडियो सुनेंगे, इसकी तिलावत सुनेंगे, जो शानदार आवाज़ है इसकी, आप जो है ज़रूर कुछ ना कुछ ज़रूर लिखेंगे इसके बारे में। साफ तौर पर ये बात मालूम होगी कि वीडियो पूरी होने के बाद ये बच्चा जो वीडियो बना रहा है वो आपस में बात करते हैं, जो साफ तरीके पर देखा जा सकता है कि वो अरबी में बात करते हैं। और मेट्रो में भी देखा जा सकता है, जो बैठे हुए लोग हैं वो साफ तौर पर मालूम हो रहे हैं कि यहाँ के नहीं हैं, क्योंकि कुछ लड़कियाँ औरतें दिख रही हैं, ऐसा मालूम हो रहा है कि मिस्र के हैं, ये मिस्र के लोग हैं, मिस्र के ही लोग बहुत शानदार कुरान शरीफ पढ़ते हैं। आप इनकी तिलावत ज़रूर सुने और सुनने के बाद अपनी राय भी लिखें, नेक दुआएं से नवाजें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और इस बंदे के लिए ज़रूर लाइक करें और बंदे के लिए ही चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. الشيخ خالد الجليل.